कहते हैं 64 ईस्वी में रोम शहर में जबरदस्त आग लगी थी। यह आग इतनी भयंकर थी कि करीब 6 दिन तक जलती रही और इस आग में रोम के 14 में से 10 शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए। जिस वक्त रोम जल रहा था तब वहां का राजा नीरो अपने आप में मगन होकर बांसुरी बजा रहा था। खैर उस वक्त राजतंत्र था और राजा जो चाहे कर सकता था, लेकिन लोकतंत्र में भी ये सब कहां बदला है। अब अपने ही देश को ले लीजिए, इस वक्त कोरोना महामारी ने देश में कहर बरपा रखा है। कोई अस्पताल की लाइन में लगकर दम तोड़ रहा है तो किसी की चिता को अग्नि देने के लिए उसका शव लाइन में इंतजार कर रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में भी भारत के नीरो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है। आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दिए। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। हाँ तो ये हो गई कि दिन में पीएम मोदी रैली में आई भीड़ को रिकॉर्ड बताते हैं और शाम में आकर कोरोना पर समीक्षा बैठक करते हैं। मतलब एक आदमी जो दिन भर कोरोना वायरस को फैलाने का पक्का इंतजाम करके आया है, वो शाम को कोरोना से बचने के तरीकों पर ही ज्ञान देता है। ये तो हद ही हो गई। पीएम मोदी की रैली में ना ही उनके मुँह पर मास्क होता है और ना ही उनकी रैली में आई भीड़ 2 गज की दूरी का पालन कर रही होती है। लेकिन सार्वजनिक जगह पर मास्क ना पहनने पर कोई पीएम मोदी का चालान नहीं कर सकता और ना ही उनके भक्तों का चालान काट सकता है। इनकी ऐसी लापरवाही को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस असल में है ही नहीं, क्योंकि ये वायरस हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन इनकी रैली और रोड शो में कोरोना की नो एंट्री है। लेकिन एक साथ जल रही दर्जनों चिताओं और अपनों को खो देने वाले लोगों की चित्कार भरी तस्वीरें देखकर ये लगने लगता है कि वायरस बहुत खतरनाक है। जिस पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी और उनके सहयोगी हजारों लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं, वहां 50,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। अब तक कोरोना वायरस से भारत में 1,78,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1,78,000 कुछ लोगों के लिए महज आंकड़े भरे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इन आंकड़ों में उनका पूरा परिवार बिखर चुका है। लेकिन जब दुनिया कोरोना से बचने के लिए अस्पताल बनवा रही थी, तब हमारे देश में मोदी सरकार राम मंदिर का शिलान्यास कर रही थी। जब दुनिया वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा रही थी, तब मोदी सरकार बिहार में कुछ भी करके सरकार बनाने में लगी हुई थी। जब दुनिया ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड्स बनवा रही थी, तब मोदी सरकार थाली बजवा रही थी। और जब दुनिया डॉक्टर और नर्सों को आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग दे रही थी, तब मोदी सरकार देश की सरकारी कंपनियों और संपत्ति को निजी हाथों में बेच रही थी। पिछली बार जब कोरोना आया था तो बहाना बना लिया कि देश इस महामारी से निपटने के लिए तैयार नहीं था, ये सब बहुत अचानक हुआ है। लेकिन एक साल बाद भी क्या बदला है? क्या आपने बीते एक साल में सुना कि मोदी सरकार ने देश में कोई नया अस्पताल बनाया हो? क्या बीते एक साल में आपने कभी सुना कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कुछ ठोस इंतजाम किए गए हों? covid19india.org के आंकड़ों के मुताबिक 18 अप्रैल को देश भर में 2,74,944 नए मामले सामने आए। 17 अप्रैल को 2,60,895 और 16 अप्रैल को 2,43,002 मामले सामने आए हैं। वहीं 15 अप्रैल को 2,16,828 कोरोना के नए मामले सामने आए। फिलहाल देश में 20 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं और रोजाना करीब 1500 लोग दम तोड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़े भी सरकार की तरह ही लापरवाह हैं, क्योंकि रह रहकर कभी कभार गोदी मीडिया में जो सच्ची रिपोर्ट आ रही है वो तो मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा बता रही है। शमशान घाट में लोगों के अंतिम संस्कार का मौका भी नहीं मिल पा रहा, वहां भी लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाट का वादा करने वाली सरकार पूरे देश को ही मरघट जैसा बना रही है। हर तरफ निराशा, हर तरफ परेशान करने वाली खबरें। अब तो फेसबुक और ट्विटर खोलने से भी डर लगने लगा है, क्योंकि टाइमलाइन पर बस मदद मांग रहे लोगों की पोस्ट नजर आती है या फिर लोग अपना दर्द बयां कर रहे होते हैं कि कैसे इलाज ना मिल पाने के कारण उन्होंने अपने करीबी शख्स को खो दिया। कोई ट्विटर पर मदद मांगते मांगते दम तोड़ दे रहा है तो कोई दिन भर अस्पताल के बाहर पड़े पड़े। भक्त भी अब अपनी अंधभक्ति के बावजूद अपने देवता को प्रकट ना होते देख अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनाव जीतने से ज्यादा
कुछ जरूरी नहीं लगता, क्योंकि अगर जरूरी होता तो आज देश का ये हाल नहीं होता। क्योंकि अगर जरूरी लगता तो हम एक साल में बचाव की बेहतर तैयारी कर सकते थे। अगर जरूरी लगता तो इस मुश्किल वक्त में देश की सरकार लोगों के साथ खड़ी होती। लेकिन सरकारों ने तो जैसे देशवासियों को अनाथ छोड़ दिया है, लेकिन जहां धर्म की बात आती है, लोगों को दो हिस्सों में बांटने की बात आती है, तो सरकार वहां पूरी मुस्तैदी दिखाती है। कोरोना काल में भी कुंभ के मेले में लाखों साधुओं का जुटना इसका उदाहरण नहीं तो और क्या है। अपना धार्मिक एजेंडा सेट करने के लिए साधु संतों की जान से भी खिलवाड़ की गई, और अब ये लाखों साधु देश भर में घूम रहे हैं। जरा सोचिए, लाखों से करोड़ों की संख्या होने में कितना वक्त लगेगा। अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए मोदी सरकार फिर से लॉकडाउन लगा सकती है, क्योंकि हालात संभालना तो इनके बस की बात नहीं है। और ऐसे में एक ही चीज दिखती है, सब कुछ बंद कर दो। क्या पता जल्द ही हमारे प्रधान सेवक टीवी पर अवतरित होकर कह दें कि भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है। उन्हें देश को ऐसे सरप्राइज देने में बहुत मजा आता है। फिर चाहे देश के गरीब आबादी भूखी मरे, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों तक जाए, या फिर अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठे, उनके लिए सब चंगा सी। क्योंकि जलते हुए रोम को देखकर नीरों की बांसुरी की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। ऐसे में मोदी सरकार के लिए इर्तिजा निषाद का ये शेर सबसे मौजू लगता है। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। साथियों, नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो कुर्सी से चिपक कर बैठे हैं, इसलिए आप भी अपने घरों में ही बैठे रहें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हमारे देश में कोरोना वायरस से लड़कर तो शायद हमारी बॉडी जीत जाए, लेकिन सिस्टम से जीतना बहुत मुश्किल है। ये बदहाल सिस्टम ही मौत का सबब बन सकता है। वीडियो में कहीं बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं। मुझे यानी सुमित चौहान और मेरी सहयोगी अज़रा परवीन को दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में मिलते हैं।